हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के बारे में। लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था क्या टारगेट्स अचीव होंगे, वही हुआ, गिरावट ही देखने को मिली है। 35 रुपीज़ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड रैली जाती है 30 तक, और 35 के अगर ऊपर रहता है तो हमें अप ट्रेंड रैली 40 तक देखने को मिलती है। तो 35 के नीचे आ गया, अभी का प्राइस है 34.90, -1.55% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है आज। 35 रुपीज़ इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, ये आपको मैं हमेशा बोलती हूँ। आज हाई बनाया था 35.25 तक, बट सस्टेन नहीं कर पाया। सो लो बनाया आज 34.40 का। प्रेशर देखिए अगर हम बाइंग का, तो आज बाइंग में प्रेशर था 4,95,000 का, सेलिंग में था 9,65,000 का। तो सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट डबल डबल है। तो सिंपली बात है, ऑपरेटर गेम चलता है शेयर में, आपको पता है, नीचे लेके जाते हैं देन वहाँ से बाय कर लेते हैं। सो शॉर्ट सेलिंग करते हैं ऑपरेटर्स इसमें, आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ। तो कभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 30-40 के रेंज में, 30 के आसपास बाय कीजिए, 40 के आसपास निकल जाइए, यही कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट लास्ट यही थे कि इन्होंने लॉन्च कर दिया है अपना कस्टमर केयर सेंटर, उसका नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है। आपको कोई भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू ऑडियो विजुअल, जो इनका एक्विजिशन चल रहा है, रिलेटेड टू फॉरेंसिक अपडेट, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि कब आएगा अपडेट। बिकॉज हमेशा कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट बोलती है कि इन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, तो फ्रेंड्स अभी तक फाइनल आउटकम मैनेजमेंट नहीं बता रहा। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। बट हाँ, 34 अभी हमें इसमें डाउन टर्न रैली देखने को मिल सकती है, 30 तक जा सकता है। प्रॉफिट अच्छा आया था क्वार्टर टू का, उसके पास नेक्स्ट वन डे एक अच्छी रैली देखने को मिली, उसके बाद शेयर दोबारा से जो फॉलो कर रहा है लास्ट फ्यू मंथ से वही कर रहा है। 0.60 करोड़ का प्रॉफिट आया था सितंबर क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में था 0.56 करोड़ का। तो प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद भी शेयर में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। प्रोमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। लास्ट टू क्वार्टर से प्रोमोटर होल्डिंग ओनली 18.47% है, जो कि बढ़ानी चाहिए प्रोमोटर्स को, क्योंकि जब से इनका बोनस का इशू हुआ था कि इन्होंने बहुत लेट बोनस दिए, उसके बाद उस टाइम पे एक पैनिक क्रिएट हो गया था कि बोनस अगर कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं तो बोनस आ क्यों नहीं रहे। तो उसके बाद बहुत लॉन्ग प्रोसीजर चला गया था, वहीं से सारा ट्रस्ट इशू शुरू हुआ। अदरवाइज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अब यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज़ पे भी फोकस कर रही है ज़्यादा, लेकिन जो बोनस की वजह से इशू हुआ उसके वजह से हमें 75-80 के रेंज से गिरावट देखने को मिली, और 29 रुपीज़ तक चला गया था ये शेयर, और अभी वहीं पर घूम रहा है 30-40 की रेंज में। सो आज 58% डिलीवरी अभी तक उठाई गई है। नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चलेंगे, 32 रुपीज़ का लेके चलिए नेक्स्ट टारगेट डाउन ट्रेंड में, एंड अपर साइड में 36 जा सकता है, बट चांसेस ज़्यादा हैं 32 जाने के, बिकॉज 35 से नीचे आ गया है, आपको मैं क्लियरली हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट अभी तक मैनेजमेंट ने बस वो कॉन्टैक्ट जो कस्टमर केयर नंबर है उसके अलावा कोई नहीं दिया, और नेक्स्ट अपडेट जैसे ही कुछ आता है मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस बेल बटन प्रेस करके रख देना है, कुछ भी अपडेट आता है इस शेयर से रिलेटेड मैं आपको डेफिनेटली, मैं कंप्लीटली ट्रैक करती हूँ तो मैं आपको बता ही दूंगी। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वंस अगेन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा करिए। थैंक यू सो मच।